बालवीर की मदद करके एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी ली है। और रानी परी, हम आपसे वादा करते हैं कि इस जिम्मेदारी को निभाए बगैर हम पीछे नहीं हटेंगे और बुराई का मुंह तोड़ जवाब देंगे रानी परी। और हाँ, दुश्मनों को धूल चटाकर ही मानूंगा मैं। शाबाश बच्चों, शाबाश, हमें आप पर गर्व। रानी परी, आपने इन बच्चों को वस्त्र तो दे दिए, अब इनकी विशेषता के अनुसार इन्हें शस्त्र भी दे दीजिए। जी बालवीर। ये शक्तिशाली तीर कमान तुम्हारे लिए मैं। हर वार को रोक सके ऐसी मजबूत ढाल तुम्हारे लिए माना। दस हाथियों से भी ज्यादा शक्तिशाली ये हाथ तुम्हारे लिए मान। बालवीर, हम चाहते हैं कि बच्चों से पहले आप इन शस्त्रों का परीक्षण कीजिए ताकि ये बच्चे इन शस्त्रों को अच्छी तरह से समझ सके। मैं तैयार हूँ रानी पर। तैयारी, आ जाओ सब लोग। बाबूजी, क्या क्या हुआ? ये क्या है? मेरी शर्ट है। गलत, ये कपड़े की शर्ट है। अब देखो मेरा एक्सपेरिमेंट। बेटा तू उठा ले, बरोबर पकड़ा। ऑन हो गई स्त्री। अब स्त्री करेंगे। अरे वाह, प्रेस हो रही मेरी मदद से। रखी बेटा, अब तुम बड़े काम की चीज हो। बेटा, अब तुम्हारे वजह से मिक्सचर चलेगा, टीवी चलेगा, फैन चलेगा, एसी भी चलेगा। अरे वाह। Oh.
बाबूजी बाबूजी शर्ट मेरी शर्ट तोड़ दिया बेटा समझ गया मैं समझ गया क्या जब जब तू हंसेगा तेरा पावर बढ़ेगा इसलिए तू जोर से हंसना मत सिर्फ स्माइल स्माइल बेटा तेरा दूसरा शर्ट लेके आ नहीं मानो मेहर मोंटू रानी परी ने हम सब पर जो भरोसा दिखाया है हमें उसे टूटने नहीं देना है और इसलिए जाओ अपने अपने शस्त्र चला कर दे बालवीर तुम देखना मैं मेरे शस्त्र के साथ सबसे बेस्ट योद्धा बनूंगी नहीं मैं यहाँ तो सबसे बेस्ट मैं ही बनूंगा ओए पिद्दियो ये क्लासरूम नहीं है यहाँ लड़ना है और सबको पता है लड़ने में मोंटू लखानी इज ग्रेटेस्ट सुनकर अच्छा लग रहा है कि तुम सब एक से बढ़कर एक योद्धा बनना चाहते लेकिन याद रहे ये शस्त्र कोई मामूली शस्त्र नहीं और इसीलिए संभाल मैं पहले तुम जाओ और अपना शस्त्र उठा मैं तू एक काम क्यों नहीं करती उस तीर कमान को बोल दे दूंगी तो शायद से डर के वो सीधा हाथ में आ जाएगा मोंटू अगर तू ज्यादा बोला ना तो तुझे पीट दूंगी जोर लगा मैं जोर लगा उठा उठा बस करो मैं मानव अपनी ढाल उठा ठीक है बाली मानव तुझे बहुत हंसी आ रही थी ना मैं भी देखती हूँ तू अपना शस्त्र किसे उठाता ठीक है क्या हुआ मानव उठाना अरे हाँ उठा रहा हूँ देखा उठा लिया ओ, ओ, आ, 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 मानव हेल्प करो अब हेल्प कर ले मानो मानो तू तो कछुआ लग रहा है कछुआ मोंटू समझ चल अब तुम्हारी बारी है मोंटू देखते हैं तुम क्या करते हो देखना क्या बालवीर जी आपको तो पता है मोंटू तो ग्रेटेस्ट लगा नहीं एक बार जो ठान लेता है ना वो करके ही रहता है
हंसना बंद करो, जीते नहीं हो तुम सब। अरे तुम सब इन शस्त्रों को नहीं उठा पा रहे हो तो इन शस्त्रों से उन चार सेनापतियों से लड़ोगे कैसे? बाजी हम और एक बार कोशिश करते हैं ना। हाँ नहीं, मैं एक बार और कोशिश करने से पहले तुम्हें अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाना होगा। इन शस्त्रों को उठाने के लिए तुम्हें इन शस्त्रों से भी मजबूत बनना होगा। बहुत कठिन अभ्यास करना होगा तुम सबको, बहुत कठिन अभ्यास। भागो और भागो, भागो मोंटू और तेज भागो। बहुत अच्छे मानो में, बहुत अच्छे मोंटू। अरे मोंटू बैठो मत, भागो। थक गया बालवीर जी और नहीं भाग सकता। थक गया बालवीर जी, कुछ कीजिए। ठीक है मोंटू, मैं अभी कुछ करता हूँ। हे रानी पर, जरूरी है मोंटू की आलस को भगाना और इसलिए आ जाए यहाँ पे आग का गोला। आग का गोला? आग का गोला क्यों? अरे क्योंकि अगर तुम्हारे पीछे आग का गोला होगा तो तुम और तेजी से भागोगे। हा? और फिर बच्चों आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। अब यहाँ कोई दौड़ नहीं होगी बच्चों, होगी तो सिर्फ लड़ाई, अच्छाई और बुराई। वहां विनाशनी है, लगता मुझे है टूट गया आपका भरोसा अपने सेनापतियों और इस नकारा शातिर परी पे। इसलिए है भेजना चाहती आप इन बच्चों को रानी परी से लड़ने के लिए ताकि पा सके चाबी का आप चौथा हिस्सा। चुप करो मूर्ख, तौबा तौबा, ये बच्चे तो मेरा मोहरा है, इनका इस्तेमाल करके मैं रानी परी को अपने पास बुलाऊंगी। माँ विनाशनी, क्या आपको लगता है रानी परी इससे आपके पास आएंगी? आएंगी, जरूर आएंगी। जब ये पूरी जगह जमीन से अलग होकर आसमान में उड़ेंगे, बच्चे चीखेंगे, मदद मांगेंगे, पुकारेंगे उसे, तो उनकी पुकार सुन के तो रानी परी आएगी, जरूर आएगी। लेकिन अगर फिर भी रानी परी नहीं आई तो एक एक करके बच्चों की जमीन पर बारिश होगी, फिर जब बच्चे गिरेंगे तब तो आएंगी ना रानी परी। महाविनाशनी, करेंगे कैसे आप इतने बड़े हिस्से को जमीन से अलग? क्यों तो बाबा, महाविनाशनी की बुराई के सेनापतियों को भूल गए?